प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना बेहद ज़रूरी होता है और महिलाओं को इसकी जानकारी होना चाहिए कि उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं होता है कि उन दिनों में बच्चेदानी का मुंह अपने आप खुल जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उसके पहले बहुत सारे बॉडी जो है आपको संकेत देना शुरू कर देता है कि अब आपका फर्टिलाइजेशन का जो समय है वो चल रहा है, या फिर ये कह लें कि फर्टाइल डेज आपका चल रहा है। फर्टिलाइजेशन फर्टाइल डेज के बाद ही होगा जब आप मीट करोगे, तो फर्टाइल डेज उससे पहले जाना बेहद ज़रूरी है और वो होता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने के समय का दिन। उन दिनों में जो डिस्चार्जेस कह लें, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं और एग्जैक्टली भी आप जान सकते हो किस तरीके से, क्योंकि उन दिनों में ख़ास करके वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, ओपन रहता है और उन दिनों में डिस्चार्जेस काफ़ी अलग होता है। तो ये जानना बेहद आसान होता है क्योंकि ये पहले के मुकाबले या बाद के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। ये पीरियड के 10वें दिन के 20वें दिन से आपको बीच में नोटिस करना है, यानी 10 से लेके 20 दिन बीच में नोटिस करना है और इन दिनों में एक एक दिन को नोटिस करना है कि बॉडी में किस तरीके का चेंज हो रहा है। और जब वो चेंजेस आपको आने शुरू होंगे आप अपने आप एग्जैक्ट पता कर लोगे। उसके बाद ये है कि साथ में आपको ये भी देखते रहना है कि आपके हार्मोन्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। बच्चेदानी का मुख खुला जब रहता है तो एक हार्मोन्स होता है लिबिडो, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जब लिबिडो हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ी हुई रहती है तो आप फिज़िकल रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट रहोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है और इन दिनों में कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों के बीच में एक दिन आपका एग रिलीज़ होगा, अंडा बाहर आएगा किसी भी एक फिलोपियन ट्यूब में और वहाँ से वो सेल के साथ मीट करेगा और प्रेगनेंसी आपकी रुकेगी। तो इन्हीं दिनों के एक बीच में ओवुलेशन का भी समय होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दें।